हेलो फ्रेंड, लो विजन डिसेबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना के रखी है, फिर भी रोजाना ढेरों कमेंट मिलते हैं और सवाल बस यही रहता है कि सर मेरा इतना विजन है तो कितना परसेंट बनेगा। किसी कोई कोई लिखते हैं कि मेरा इतना पावर है तो कितना परसेंट बनेगा। तो ये सब जो डाउट है वो आपके मन में राउंड राउंड घूमते जा रहा है। तो मैंने कोशिश किया कि चलिए एक नया वीडियो बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। और आज मैं व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एकदम क्लियर हो जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बने रहिए ओम टॉक चैनल के साथ। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बोर्ड की तरफ। यहाँ पर मैं सब चीज़ लिख गया हूँ, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको अपना विथ ग्लासेस विजन देखना है। जब आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है आँख का, तो उसमें दो टाइप के विजन कार्ड लिखे होते हैं। एक तो होता है बिना चश्मे का, यानी कि विथाउट विथाउट ग्लासेस। देखिए, जब आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप रफली चेक करता है या फिर सीधा बोलता है उस बोर्ड को पढ़ के दिखाओ कि कहाँ तक दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं विथाउट ग्लासेस। ठीक है, विथाउट ग्लासेस वो इसे मेजर कर लेता है कि आपका कितना विजन आ रहा है। अगर आपने वहां पे 6x24 इतना विजन आपका आ गया, ये विदाउट ग्लासेस यानी कि बिना चश्मे का, ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता है परसेंटेज के लिए। उसके बाद डॉक्टर आपको एक अच्छा चश्मा देगा, अच्छा आपका पावर का देगा, विथ ग्लासेस हो जाएगा फिर। ठीक है, अब ग्लासेस के बाद ये विजन आपका 6x6 आ गया तो फिर आपकी आंख को खराब नहीं माना जाएगा, आप किसी भी परसेंट वाले स्तर में नहीं आते हैं। ठीक, तो हमेशा आपको विथ ग्लासेस वाले विजन को देखना है ग्लास चश्मे के साथ। तो यहीं पर देखिए, 6x6 लेकर 6x18 तक आपका चश्मे के साथ आपका विजन आ रहा है तो आपको 0% मिलेगा, कोई भी परसेंट नहीं। ठीक है, 6x24 से 6x36 अगर आपका आ रहा है चश्मे के साथ तो आपका 40% बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है, वो उसके भी कंडीशन होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद आता है 6x60, जो सबसे ऊपर वाला लेटर होता है, बड़ा लेटर, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा आपका 50% बन जाएगा। ओके, अब देखिए, इतने में आप खुश मत हो जाइए कि मेरा अरे 6x24 है तो मेरा 40% मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पे ये जो दोनों है ना, ये बोथ हाई का है, ये सब बोथ हाई, ये जो चार्ट है ये बोथ हाई, मतलब दोनों आंख में अगर इस टाइप के विजन आ रहे हैं तब आपको 40% मिलेगा। उसके बाद एक कंडीशन और अप्लाई होता है यहाँ पे, जैसे नियर, जिनका और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये क्या है 1/60, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 60 mm की लेटर, 60 mm की लेटर यानी जितना मोटा लेटर होता है, 60 mm की साइज की लेटर जो है 1 फिट से भी नहीं दिख रही है। 1 फिट कितना होता है, ये इतना, अगर इतना से भी वो 60 mm का लेटर नहीं दिख रहा है तो ये कंडीशन अप्लाई होगा और आपका ये जो परसेंट है ना, 50% या 40% इसमें और एड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 60 या 70% भी बन सकता है। तो ये जो चार्ट बना हुआ है 40-50% जो हम दिखा रहे हैं, ये बोथ साइड का है। अगर मान लेते हैं किसी का जो है एक आंख में 6x24 है, 1 आई, ठीक है, ये 1 आई हो गया, और वहीं पे अगर सेकंड आई को देखते हैं तो ये 6x9 आ रहा है, ये दूसरा आंख, एक आंख का, ये इसको राइट मान लो, इसको लेफ्ट मान लो। ठीक है, तो राइट में जो है 6x24 विजन आ रहा है और लेफ्ट वाला ठीक है, मतलब ये चश्मे से सुधार हो सकता है, तो ये तो आपका हट गया। अब ये 6x24, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 40% का हम कंडीशन रखे हैं, गवर्नमेंट ने रखा है कि दोनों आँख खराब होगा तो मिलेगा, लेकिन आपका एक आँख ठीक है तो इसलिए आपका ये सीधा सीधा 30% में उतर जाएगा। और मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि 30% का कोई भी सरकारी मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है, 40% के बाद ही मिलता है, 40% से मिलता है। वैसे ही ये सभी चीज़ें हैं, अगर एक आँख खराब है तो उसका परसेंटेज सीधा सीधा आधा हो जाता है। गवर्नमेंट ये कहता है कि देखिए, एक वो इंसान होता है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिनके दोनों आँख खराब है, तो वो बेचारे जो है ऐसे फैसिलिटी के हकदार होते हैं। अगर आपका एक आँख खराब है और एक आँख सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो सभी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब आप वो सभी काम कर सकते हैं जो एक एक्चुअल ब्लाइंड या टोटली ब्लाइंड व्यक्ति नहीं कर सकते, इसलिए इस चार्ट को ऐसा बनाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये चार्ट और ये किस टाइप के परसेंटेज यूज होते हैं और कैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये सब तो आप समझ गए हैं, इसको हटा दिया, ये सब हो गया क्लियर। दूसरा कंडीशन एक और होता है, जैसे कि हमारी जो है मुझे ठीक से डायग्राम तो बनाना नहीं आता है, लेकिन ये देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी आँख हो गई, ऐसा भी कर देते हैं, ये हमारी आँख हो गई। हम मनुष्य क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं ना, हम लोग तो ऐसा गोलाई में देखते हैं, इस टाइप का, जब हम कोई भी दृश्य देखेंगे तो वो गोलाई में दिखता है। शेर कैसा दिखता है, शेर को ऐसा दिखता है रेक्टेंगल टाइप में, जो उसका भी जो ऐसा रहता है, इंसान का ऐसा होता है। तो क्या होता है
कि धीरे धीरे जैसे कि आपका आँख डैमेज होने लगता है, तो ये एरिया जो है धीरे धीरे ये बंद होते जाएगा, ये ऐसा इधर इधर क्या है, ये ब्लर हो जाएगा या फिर धुंधला हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक कोण से यानी डायप्टर से मापा जाता है। वही जो कल एक वीडियो में बताया था आपको कि डायप्टर अगर आप जो है जो सीधा आप खड़े हो जाएंगे और वहां से अगर 20 डिग्री भी नहीं देख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके जो सर्टिफिकेट के लिए परसेंट बनता है, और वो परसेंट होता है 40%, ये प्लस हो जाएगा आपका दूर दृष्टि कितना है उसमें एड हो जाता है। यानी कि अगर आपको मिल गया है उधर से 30% मिल गया है, तो सीधा सीधा आपको 70% मिलेगा, ये बहुत हाई का है, ठीक है। अगर सिंगल आई आई में भी हो रहा है तो फिर भी आपको जो है 40-50%, 50% का लगभग बन जाएगा इस कंडीशन में। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपकी जो मन में जितनी भी डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी जब कोई कमेंट आता है तो मैं समझूंगा कि ठीक से अभी भी नहीं बता पाया हूँ, वैसे कोशिश तो पूरा किया हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।